हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, ये सीरीज आपके कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की चल रही है, जिसमें आपका इस क्लास में आप हाफ हेडर पढ़ने वाले हो। ये क्लास आपकी स्पेशल है फॉर एचटेक पीजीटी स्क्रीनिंग कंप्यूटर साइंस एंड एचटेक पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी ये इम्पोर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम आपके अभी होने वाले हैं, इसलिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है इस चैनल पर। तो देखते हैं आज की क्लास। हाफ हेडर, व्हाट इज हाफ हेडर? हाफ हेडर, ए हाफ हेडर सर्किट नीड्स टू बाइनरी इनपुट एंड टू बाइनरी आउटपुट। इसको दो बाइनरी इनपुट की जरूरत होती है, दो बाइनरी आउटपुट की जरूरत होती है। द इनपुट वेरिएबल शोज द गिवन्स एंड द एडिट बिट, वेयर द आउटपुट वेरिएबल प्रोड्यूस द सम एंड कैरी। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ हाफ हेडर यूजिंग द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल देख लीजिए, इसमें एक्स एंड वाई सम आपका 0 0 0 0 1 1 1 0 1, इसमें तो कोई कैरी नहीं है, इसलिए 0 0 1 1 0। जैसे आपका 1 1 हम लिखते 10, तो 0 आपका सम में गया, 1 आपका कैरी में गया। तो ये हाफ हेडर का काम है। एक्स एंड वाई आर टू इनपुट एंड एस सम एंड सी कैरी आर द टू आउटपुट। द कैरी आउटपुट इज 0 अनलेस बोथ द इनपुट आर 1। ओके, दोनों इनपुट 1 है तो आपका सम 0 आता और कैरी आता है आपका 1 आता है। एस रिप्रेजेंट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द सम। सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट, आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स डैस वाई प्लस में एक्स वाई डैस सी, कैरी है आपका एक्स एंड वाई। तो आप हाफ हेडर से आप कैसे सोल्व करोगे? तो आपने एक्स और वाई दो वेरिएबल लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका गेट लगा, इसमें एक्स पार हुआ देन वाई, तो इसमें एक्स डैश वाई है और एक्स वाई डैश है, तो आपका गेट यूज होगा सम। फिर इसमें एक्स और वाई यहाँ इनपुट लिए, एंड और गेट आप यहाँ यूज हो रखे हैं, नॉट गेट वगैरह सारे गेट्स यूज होते हैं आपके। और यहाँ पर आपका सम एस इक्वल टू एक्स डैश वाई प्लस में वाई एक्स वाई डैश, ये जो आपका ऊपर दिया हुआ है ये सेम आउटपुट यहाँ पर आता है। इस तरह से आप यहाँ पर गेट्स यूज करते हो, देन गेट्स यूज करके आप अपना आउटपुट देते हो। तो इसमें मेन्स फोकस ये है कि इसमें दो ही आपके इनपुट होते हैं, दो ही आपके आउटपुट होते हैं, एक तो सम का आएगा और एक कैरी का। दो इक्वेशन दी हुई होगी, एक सम की और एक कैरी की, तो सम की आपकी अलग होगी, कैरी की अलग। ओके, थैंक यू गाइस।